नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बता रहे हैं आपको कि जो हम घेवर बनाते हैं, फीके घेवर, उनकी चाशनी कैसे लगाई जाती है। जब भी हमें खाने का मन हो, आप चाशनी तैयार रखें और उस पर डाल करके खा सकते हैं। चाशनी आपकी चिपचिपी होनी चाहिए, चाशनी में किसी प्रकार का तार नहीं होता है घेवर की चाशनी में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। चाशनी बनाने के लिए एक बाउल चीनी लेंगे और ये लगभग 250 ग्राम चीनी है। और उस जितनी चीनी लिया उसे आधा पानी लेंगे। तो छोटा बाउल हमने पानी डाल दिया है और उसके अंदर डाल दी है एक बड़ा बाउल शुगर। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरह से, जब तक कि चीनी का पानी नहीं बन जाता है। और उसके बाद में इसको 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब देखिए, 2 मिनट पकने के बाद जो चाशनी की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से हो जाती है, थोड़ी ये गाढ़ी हो गई है, यानी कि हमारी चाशनी तैयार है। हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, बस इसमें किसी प्रकार का तार नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हैं इसमें जो चिपचिपापन है वो आ गया है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, चाशनी बिल्कुल तैयार है। चाशनी को तैयार करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। अब देखिए, ये हमारे पास घेवर है और इसको मैंने क्या किया, चाशनी के अंदर डुबो करके फिर निकाल लिया है। एक तो ये तरीका है कि जब चाशनी ठंडी हो जाए, घेवर लीजिए, उसे अंदर डुबो लीजिए और फिर बाहर निकाल के किसी बर्तन के ऊपर रख दीजिए। इस तरह से मैंने उस घेवर को निकाल दिया है। तो इसमें थोड़ी चाशनी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप कम चाशनी के घेवर खाते हैं, पसंद करते हैं, तो उसका तरीका ये है कि घेवर के ऊपर घेवर की स्लाइस को रख दीजिए और चम्मच से आप इसके अंदर चाशनी डालिए। ये चाशनी इक्वल रूप से और घेवर के अंदर ऐड हो जाती है, घेवर मीठा हो जाता है। और देखिए, अगर आपको करारे घेवर खाने होते हैं तो आप उनको बना करके रख लीजिए। जब भी आपको घेवर खाने का मन हो, फीका घेवर तो मीठा घेवर, तो आप उसको तुरंत चाशनी इस तरह से लगाइए और खा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। मैंने इनको खाया हुआ है इस चीज़ को, और घर पे बना करके बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इस तरह के घेवर मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये घर के बने हुए घेवर है, बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और हेल्दी। तो इस तरह से आप फीके घेवर बना करके रख लीजिए। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो, घेवर पे चाशनी इस तरह से फैलाइए, घेवर अपने आप चाशनी को कवर कर लेगा और ये मीठा हो जाएगा और आप इसे अच्छे से खा सकते हैं तुरंत। तो ये कड़क रहेंगे। अगर आप चाशनी लगा करके रख देंगे तो ये थोड़े से नरम हो जाते हैं, और इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अपने घर पे घेवर बनाएंगे तो बहुत इजीली से घेवर बन भी जाएगा। अगर आपने घेवर की वीडियो बनाने की नहीं देखी है तो इसके पीछे मैं वो भी ऐड कर रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं कि घेवर को बनाना कैसे है। बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाया है, बहुत कम और इसमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, तो वो भी आप देखिएगा। और इस तरह से मैंने आपको चाशनी बनाना और घेवर पे लगाना बता दिया है, तो आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, ये घेवर मैंने 2 घंटे पहले इसमें आपको चाशनी बना करके दिखाया था, लगा करके 2 घंटे बाद इनकी पोजीशन ये होती है, चाशनी घेवर ने ऑब्जर्व कर लिया है और जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो आप देख सकते हैं नीचे आ गई है। तो हमारे भगोने के अंदर जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो नीचे आ चुकी है और घेवर जो है उनको लिमिटेड चाशनी से वो कवर हो गई है। तो हमारे घेवर चाशनी से तैयार है। अब हम इन्हें खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने सॉफ्ट और कितने कुरकुरे हमारे घेवर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप घेवर बनाने का स्टेप्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने घेवर को बहुत ही ईजी तरीके से बनाया, तो वो वीडियो आप अभी वॉच कर सकते हैं। भगोने में घेवर बनाने का बहुत ही सरल स्टेप्स, किसी भी संचय की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई आपको संचय की ज़रूरत इसमें नहीं होगी, डायरेक्टली आप भगोने में घेवर बना सकते हैं। आइए इनकी इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले 4 छोटे चम्मच घी को एक मिक्सर जार में डाल दीजिए और इनके साथ में हम डाल देंगे 4 से 5 पीस आइस क्विक्स। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 4 से 5 पीस आइस क्विक्स के डाल दिए हैं
और इससे क्या होता है, घी की जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी हो जाती है, यानी कॉल्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, बिल्कुल जो घी है वो बिल्कुल कठोर हो जाता है आइस क्यूब्स के मदद से। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से लगभग 2 मिनट तक और फेंट लिया है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल सही है, जो घी है वो टाइट हो गया है, ये देखिए। अब ये इसी तरह का हमें इसकी घी की जो है इसी तरह का स्टेप हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे और इनको भी घी जार के अंदर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इसको मैं 2 मिनट तक जार के अंदर फेंट लूँगी तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल मिल्क के टाइप में हो जाएगी, जैसे हमारा बटर होता है उस टाइप में हो जाएगी। तो मिल्क का और घी का की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और ऐसी ही हमें चाहिए घेवर बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने 150 ग्राम टोटली मैदा लिया है तो इसमें 2-2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच पानी डालती जाऊँगी और इसको मेल्ट करते जाएंगे। तो हम जार के अंदर इसको और 1 राउंड से मेल्ट कर लेंगे, फिर हम 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच वाटर डालेंगे। वाटर की कंसिस्टेंसी वो कोल्ड होनी चाहिए क्योंकि हमें ठंडे पानी यहाँ पे यूज करना है। तो 2-2 चम्मच मैदा एक साथ में नहीं मिलाइएगा, उससे क्या है कि लम्स आ सकते हैं, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप गोल तैयार करेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे और बहुत अच्छा बैटर आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने 2-3 बार यहाँ पे मिला लिया। अब जो लास्ट में बचा हुआ मैदा है एक साथ में डाल दूँगी और इस डाल दूँगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ताकि हमारा जो घोल है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, जो घोल की स्थिति होती है उसी से आपका घेवर डिपेंड करता है, आपने किस प्रकार का बैटर बनाया है उसी से आपको अच्छा घेवर मिलेगा। तो बैटर को बनाना अच्छा सीख लीजिए, आपका घेवर बहुत परफेक्ट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बैटर लगभग इसमें हमने 7 से 8 मिनट लगाए हैं बैटर को बनाने में और टोटली बैटर जो है तैयार हो गया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए किस प्रकार का बैटर हमें चाहिए, ना पतला ना मोटा, बिल्कुल मीडियम साइज का। तो इस तरह से आप देख करके चेक कीजिएगा कि हमारा बैटर कैसा होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है अभी, तो इसके अंदर जो जार को धो करके और पानी डाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, ये अपनी सही पोजीशंस में है जो बैटर है वो। अब हम 1 नींबू का जूस इसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इससे बनेंगे हमारे जालीदार मस्त घेवर, जिसे अगर आपने एक बार बना लिया, देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब आप पहली बार बना रहे हो तो मात्रा क्वांटिटी है जो थोड़ी लीजिए। अब मैंने यहाँ पे एक बोतल ली है और बोतल की जो केप है उसमें हम एक छेद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैंची का प्रयोग किया है क्योंकि मेरे पास कील नहीं है, इसलिए कैंची के नोक की सहायता से नोक को गर्म कर लिया है और उसकी सहायता से इस तरह से मैंने यहाँ पे एक होल बना लिया है। और इसी तरह से आप बोतल से बनाइएगा, बहुत ईजीली से बन जाते हैं, हाथ भी नहीं जलते हैं क्योंकि घी में जब बैटर डालेंगे तो घी ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर थ्रो करता है, तो इसलिए वो हाथ भी नहीं जलते। अब मैंने ये भगोना लिया है और भगोने के एक हिस्से में हम जितना भगोना हो, जैसे उसके 1/3 हिस्से में आप घी डाल दीजिए, ऊपर से 2/3 हिस्सा खाली रहना चाहिए क्योंकि जब हम बैटर डालेंगे तो घी है जो ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर थ्रो करेगा घी को, तो वो बाहर भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना आपको। अब जो ये बैटर आपका तैयार है इस बोतल में फिल कर लीजिए। इस तरफ मैंने एक जाली लगा दी है क्योंकि जब हम घेवर तैयार करके जाली पे निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे निकल जाएगा। अब बैटर की कंसिस्टेंसी फिर से चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल सही है। तो इस बैटर को जो बचा हुआ इसको आप फ्रीजर में रख दीजिए और जो घी है उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा घी तैयार हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे, जैसे ही बैटर घी के अंदर जाता है सीधा ऊपर आता है, मतलब आपका घी बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें इसके अंदर अपना बैटर डालना है। तो हम अपना बैटर डालेंगे और बीच के अंदर होल को प्रिपेयर करते रहेंगे।
क्योंकि होल को आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि इसी होल में हमें बैटर डालना है और इसी होल से हमारा घेवर बन करके जालीदार तैयार होगा। तो एक घोटने की मदद से मैंने यहाँ पे और जो होल को मेंटेन रखा है, और जैसे ही बैटर डालते हैं और घी जो है ऊपर की ओर आएगा तेज़ी से, और फिर एक मिनट के बाद, जैसे तुरंत नहीं डालनी है घोटनी, एक मिनट के बाद जैसे ही वो बैटर घेवर को चिपक जाएगा तो आप बीच के होल को मेंटेन करते रहिए। इसी तरह से हमें 10 से 12 बार इसमें बैटर डालना है, और बैटर उसी कंसिस्टेंसी में डालना है जैसे बैटर डाला, और इसमें जो है आप देख रहे हैं बुलबुले आ रहे हैं। जैसे ये बैटर घेवर के चिपक जाएगा तो यहाँ पे आपको बुलबुले आने बंद हो जाएंगे। फिर आप बैटर डालिए, जैसे ही इसके अंदर से जब घेवर पक जाता है तो ये बुलबुले जो है वो कम हो जाते हैं, और जब आप बैटर डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ आता है, फिर ये नीचे की तरफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से ये घी की कंसिस्टेंसी होगी और हमारा घेवर जो है नीचे से पक कर के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप किसी स्पून की मदद से, चक्कू की मदद से, या फिर किसी लकड़ी की मदद से इस होल को मेंटेन रख सकते हो, और बीच होल के अंदर आपको बैटर डालते जाना है, आपका घेवर ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा दबा करके चेक कर लेती हूँ कि ये कितना मोटा हो चुका है। आइडिया से आपको पता चल जाएगा कि आपका घेवर आपको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बैटर डालते जाइएगा। तो अब देखिए लगभग हमारा घेवर सिक चुका है, यानी बन चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा दबा देती हूँ ताकि जो ऊपर की लेयर है वो भी अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा सुहाना जालीदार घेवर बन करके तैयार हुआ है, प्रिपेयर हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप इस तरह का घेवर और निकालते हो तो पता नहीं क्या है, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है घेवर को देख करके, और ये बहुत ही करारा है। और आप भी बना के ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह से जो बाकी के मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है उसके जो घेवर बनेंगे वो मैं प्रिपेयर कर लूँगी, और चाशनी की वीडियो हमने दिखा दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, घेवर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमारे साथ शेयर